तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की स्टूडियो में मैं क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ्स अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वही दिखाने वाला हूँ। जो भी सवाल दिखाऊंगा ना मैं आपको, इसमें से करेक्ट एक ना एक या फिर दो सवाल जो है बिल्कुल आने का है, ठीक है ना। तो आप इनको जरूर से तैयार कर ले, मैं यहीं पर तैयार करा दूंगा इसी वीडियो में। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है संख्याओं, है ना, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर एक को समझ देते हैं। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा, सबसे पहले हमें सर्वप्रथम क्या लिखना है, किसके निकालने हैं भाई, 6 और 20 के निकालने ना। तो सबसे पहले ये जो 6 है इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 6 का 6 ऐसा रख देंगे, किसका भाग जा रहा है, सबसे कम भाग जाने वाली संख्या, 1 का भाग जाएगा तो वो की वही संख्या जाएगी, 2 का भाग लगाएंगे तो 3 बार में जाएगा, ठीक है। 3 में किसका भाग जाएगा, 1 का तो जाएगा नहीं, 1 का जाएगा पर हम तो वही संख्या की कोई मतलब नहीं है, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 एकम 3। यानी कि मैं 6 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अब हम 20 पर आ जाते तो तथा 20 के अभाज्य गुणनखंड, तो 20 के बाद गुणनखंड निकालेंगे हम। देखिए यहाँ पर 20 का 20 लिखा, भाग जाएगा 2 का, 2 एकम 2, 0 में 0, ठीक है। फिर इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 2 पंजे 10, 5 में किसका जा रहा है, 5 का, 5 एकम 5। यानी कि मैं 20 को किस प्रकार लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। दोनों को निकालिए। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, जो भी संख्या जिसका भी HCF या LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना हो उसका हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, अभाज्य गुणनखंड, कुछ इस प्रकार से करके मैंने आपको सारा बता दिया अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, इसलिए LCM बराबर, LCM किसका, 6 और 20 का, 6 और 20 का बराबर LCM। देखिए अभी LCM कैसे निकलेगा भाई, LCM मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे अधिक 2 कितनी बार आया है, 2 सबसे अधिक 2 बार आया है, कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर से गुणा लगा देंगे, उसके बाद अगली संख्या कौन सी, 3, 3 सबसे अधिक कितनी बार आई है, 3 सबसे अधिक 1 बार आई है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3, ठीक है। गुणा का गुणा, 5 सबसे अधिक कितनी बार आया है, 1 बार आया, 5 का 5 लिख दिया। अब आप बोलोगे भाई कि ये 2 क्यों लिखा, तो ये 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 2 यहाँ पर 1 बार आ रहा है और 20 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 बार आ रहा है, इसलिए हमने 1 बार का ना लेके 2 बार का लिख लिया यहाँ पर, इसलिए हमने इस 1 2 को छोड़ दिया है, ओके। चलिए अब हम फिर से नीचे आएंगे, LCM है ना, 6 और 20 का बराबर का बराबर, 6 दुना 12, 12 तिया 24, 12 तिया 24, 6 दुना 12, 6 दुना 6 18, ठीक है, 18 18 5 60, 60 हमारे क्या हो जाएगा, LCM ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए अब हमें HCF और निकालना है, इसलिए HCF किसका, 6 और 20 का। देखिए HCF में जो आपका और सरलतापूर्वक काम है वो संख्या निकालिए जो दोनों में आ रही है। अब देखिए 3 को देखिए, 3 6 का अभाज्य गुणनखंड है परंतु 20 का नहीं है, 5 जो है 20 का अभाज्य गुणनखंड है परंतु 6 का नहीं है, ये 1 2 जो है 1 2 किसका अभाज्य गुणनखंड है, 20 का है, पर और 1 और 2 6 का भी है परंतु 1 2 किसका भी नहीं, यानी कि ये 2 ये 3 ये 5 छोड़ देंगे और 2 और 2 हो जाएंगे। यानी कि 2 और 2 को मैं किसी प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 यानी कि 2 लिख सकता हूँ, यानी 2 हमारा HCF हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अब हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए आप, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब मैं इसका HCF ज्ञात करना सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले उसी प्रकार जो संख्या दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। सबसे पहले 6 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 3, उसके बाद 72 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है ना, ये आ जाएगा। एवं 120 के अभाज्य गुणनखंड कितना आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये आ जाएगा। किस प्रकार से निकालना है वो मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से तीर का निशान खींचो, इधर संख्या लिखो, भाग देते जाओ और जब 1 आ जाए तब पूरा इधर वाली संख्याओं को लिख लो इस प्रकार से, ठीक है। अब इसलिए HCF किसका, 6, 72 और 120 का। तो देखिए अब मैंने क्या बताया था, जो संख्या तीनों में आ रही है वो ले लीजिए, 2 इस तीनों में आ रही है तो ये 2 ले लीजिए। इस प्रकार से पेपर में नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, 2 ले लेना है, ठीक है, गुणा का निशान लगा देना है। ये 2 सिर्फ इन दोनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसको काट दो। ये 2 इसमें इन दोनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। ये 3 देखिए, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी कि इस 3 को ले लो, गुणा 3,
ये तीन इसमें आ रहा है परंतु इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। ये पाँच सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। यानी कि सिर्फ दो और तीन एक इससे ऐसी संख्या जो तीनों में आ रही है, इसलिए हमने दो गुणा तीन लिख लिया। अब एस सी एफ का एस सी एफ, छः का छः, बहत्तर का बहत्तर, 120 का 120, बराबर का बराबर, और छः तीन और दो का जो हम मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो हो जाएगा हमारा छः। एस सी एफ का एल सी एम का, अब देखिए एस सी एफ निकल गया अपना छः, ये आंसर हो गया। अब एल सी एम भी निकालना हमें, तो एल सी एम देखिए एल सी एम हो जाएगा छः, बहत्तर और 120 का। देखिए एल सी एम वो होता है, मैंने आपको बताया एल सी एम, ठीक है। तो एल सी एम देखिए, एल सी एम आपको क्या लेना है, दो का दो ले, देखिए सबसे अधिक दो कितनी बार आ रहा है, सबसे अधिक दो तीन बार आ रहा है, तो तीन ले लिया, तीन नहीं मतलब दो को तीन बार लिख दिया हमने, एक दो और तीन बार। तीन सबसे अधिक कितनी बार आ रहा है, तीन सबसे अधिक दो बार आ रहा है, तो दो बार हमने तीन लिख दिया। उसके बाद पाँच कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो हमने पाँच एक बार लिख दिया। अब इसके बाद हम इन इन सब का गुणा करेंगे, तो दो दुना चार, चार दुना आठ आ गया, गुणा का गुणा, तीन तिया नौ, नौ पंजे पैंतालीस का पैंतालीस। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 360 हमारा आंसर आ जाएगा। यह क्या हो जाएगा, ये हमारा एल सी एम हो जाएगा। किसका एल सी एम, छः, बहत्तर और 120 का, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला, चार नंबर का है, ठीक है ना। निम्नलिखित संख्याओं का एस सी एफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। देखिए पहला है 135 तथा 225, तो हम पहले को भी करते हैं, दूसरे को भी और तीसरे को भी। चलिए यहाँ पर देखिए आप, तीसरे का पहला है, हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करेंगे। किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना। तो इससे करने के लिए हमें क्या सूत्र होता है, एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। सूत्र लगा दिया, सूत्र सभी को याद करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आएगा, सभी में काम आता ही है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें भाज्य लिख देना है, भाज्य वो होगा जो बड़ा है। देखिए भाज्य वो जो बड़ा है, 225 बड़ा है तो 225 को भाग मान लिया, बराबर का बराबर। भाजक वो जो छोटा है, तो भाजक है 135 छोटा है, गुणा को गुणा। भागफल और शेषफल किस प्रकार से निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, 225 में 135 का भाग देना है। किस में भाग देना है, 225 में भाग देना है। भाई देखिए मैंने यहाँ पर भाग देकर बता देता हूँ, देखिए 225 में 135 का भाग देंगे हम तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार में आएगा 135, बचे हमारे शेषफल में 90। जितनी बार जा रहा है उतनी बार लगा दो। अब भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये दशमलव में आएगी इसलिए दशमलव नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर भाग आ गया, देखिए ये आ गया हमारा भागफल, क्या आ गया भागफल, ये आ गया हमारा शेषफल, क्या आ गया शेषफल, और ये क्या हमारा, ये हमारा भाजक है, और ये क्या हमारा, ये भाज्य, ठीक है ना। तो भाग भागफल और शेषफल लिख देंगे, भागफल की जगह एक और शेषफल की जगह 90, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद देखिए, चूंकि शेषफल बराबर 90 जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः प्रमेय का दोहराने पर, तो देखिए पुनः प्रमेय का दोहराएंगे हम, तो भाग भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब भाज्य, अब हम भाज्य जो है 135 को मान लेंगे, बराबर का बराबर, भाजक जो है 90 को मान लेंगे, गुणा के गुणा, ठीक है ना। भागफल जो है, अब 90 में 135 को हम 90 से भाग देंगे, 135 को किससे भाग देंगे, 90 से। देखिए 135 को 90 से भाग देंगे तो एक हमारा भागफल आएगा, 90 आएगा और 45 शेषफल आ जाएगा। तो अब हम शेषफल की जगह 45 और भागफल की जगह एक रख दिया हूँ, इसलिए अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि शेषफल बराबर 45 जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए पूर्ण प्रमेय का दोहराने पर, अब फिर से 90 को हम क्या मानेंगे, भाज्य बराबर का बराबर, भाजक किसको मान लेंगे 45 को, गुणा के गुणा, ठीक है ना। दो आया हमारा, क्या आया, दो हमने जब भाग दिया तो वो आया और बराबर बराबर प्लस का जीरो, है ना। मतलब हमने ये दो और जीरो क्यों लिखा, क्योंकि हमने 45 में 90 को 45 से भाग दिया, तो हमारा क्या है, दो भागफल आ गया, है ना, और जीरो शेषफल आ गया। चूँकि शेषफल बराबर जीरो है, इसलिए अतः अभिष्ट एस सी एफ 135 और 225 का 45 है, क्या है, एस सी एफ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल इसका क्वेश्चन है। अरे भाई करना क्या है, सबसे पहले आपको ये लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, उसका सूत्र लगा देना है, सूत्र लगाने के बाद आपको रख लेना है भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भाग दे देना है, मान रख देना है, सोल्व करते जाना है, और जब जीरो आ जाए अंत में, तब वही आपका जो आपका यहाँ पर बीच में जो आपका भाजक हो ना, भाज्य जो हो, भाज्य भाजक जो है ना, भाजक ये भाजक, वही क्या हो जाएगा, भाजक ही, भाजक ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि एस सी एफ हो जाएगा। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर समझाऊंगा। तीसरे का दूसरा देखिए ध्यान से, अब देखिए चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल,
ठीक है, शेषफल भाज्य क्या है हमारा, जो बड़ा है यानी कि 38,220 बराबर का बराबर, भाजक कौन है जो छोटा है 196 गुणा के गुणा। अब देखिए भागफल कैसे निकला, हमने हमने 38,220 में 196 का भाग दिया, किसका 196 का भाग दिया, तो देखिए यहाँ पर मैंने भाग दिया, ठीक है ना, भाग दिया तो कितना है देखिए 196 बटे 196 कम 196, ठीक है ना। अब जब 382 में 196 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 186, कितना बचेगा 186, 382 में से 196 जाएगा तो 186 बचेगा, ऊपर से उतारे दो यहाँ पर आया 196 नामे 1764 माइनस कर देंगे यहाँ पर बचेगा 98, ऊपर से उतारा 0 980 हो गया और 196 पंजे 980 00 आ गया हमारा शेषफल और भागफल 195 आ गया। भागफल की जगह 195 प्लस शेषफल बराबर 0 रख दिया, क्योंकि शेषफल बराबर 0 है ना, अतः अभिष्ट एचसीएफ 196 और 38,220 का क्या हो जाएगा 196, क्योंकि 196 भाजक है हमारा, भाजक ही क्या होता है आंसर होता है। तो आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा, समझ आ गया होगा। अब चलिए तीसरा देखते हैं, अभी देखिए आप तीसरा सवाल, तीसरे का तीसरा 867 और 255 का। तो देखिए क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इसको तो आप रट ही डालो भाई, क्या डालो, रट ही डालो इस सूत्र को, क्योंकि इसके बना कुछ काम नहीं चलेगा हमारा। अब भाज्य रख देंगे, भाज्य जो बड़ा है ये का यही बराबर का बराबर भाजक रख देंगे और वो जो इसका भाग, इसमें जो इसका भाग दे के देंगे तो भागफल और शेषफल निकल जाएगा, शेषफल रखेंगे है ना, क्योंकि शेषफल बराबर नहीं है जीरो के, शेषफल हमारा जीरो नहीं आया इसलिए पुनः प्रमेय का दोहराएंगे है ना। अब फिर से हम इस 255 को क्या मानेंगे, भाज मानेंगे, बराबर का बराबर भाजक किसको मानेंगे 102 को, क्योंकि 102 क्या नहीं है, शेषफल जीरो नहीं है, शेषफल को हम क्या मानते हैं, भाजक मानते हैं। और फिर गुणा का गुणा, फिर इसमें इसका भाग देंगे तो हमारा भागफल और शेषफल आएगा, तो भागफल ही आया शेषफल ही आया, क्योंकि शेषफल बराबर फिर से जीरो नहीं इसलिए पुनः प्रमेय का लगाने पर। तो फिर साहब हम क्या करेंगे, 102 को हम मानेंगे भाज्य, बराबर का बराबर भाजक किसको मान लेंगे 51 को, गुणा का गुणा इसमें जब इसका भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 2 भागफल बराबर प्लस का 0 आ जाएगा, क्योंकि शेषफल बराबर 0 है, अतः अभिष्ट एचसीएफ 867 और 255 का 51 है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए आप यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 10 प्लस 10 के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो भाई चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये सबसे सरल है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना, क्योंकि हमें बराबर में जीरो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको किसके बराबर में मान लेंगे, जीरो के बराबर में मान लेंगे, मान लिया। उसके बाद इस एक्स को एक्स का एक से रहने देना है, प्लस 10 को प्लस 10 का 10, बराबर का बराबर, 0 का 0, सिर्फ हमें छेड़खानी कहाँ करनी है, प्लस के साथ एक्स के साथ। अब देखिए सबसे पहले आप जब 10 का गुणा एक्स से करेंगे तो कितना आएगा, 10 गुणा एक्स जब आप करेंगे तो आएगा यहाँ पर आपका 10x है ना, 10x आएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या आपको लानी है, अपने माइंड से ढूंढनी है, जिनको जोड़ने या घटाने पर तो क्या आए, 7 आए, और गुणा करने पर क्या आए, प्लस का 10x आए, क्या है, प्लस का 10x आए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, देखिए मान लीजिए हम 10 कौन से गुणा में आते थे, देखिए 10 आता है 5 के गुणा, 5 और 2 के गुणा करने पर, तो 5 गुणा 10 तो हो जाएगा भाई। अब जब हम 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा भाई। तो 5 और 2 यही तो संख्या बनेंगी हमारी, ये प्लस है, ये प्लस। अब देखिए हमें प्लस लाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस का प्लस, 5 का 5, ये एक्स आ गया, ठीक है 7x आ गया। यहाँ पर भी प्लस लाना है तो प्लस का जोड़ देंगे हम, है ना। तो यहाँ पर गुणा का नहीं, 7 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि 7 जो है वो गलत हो जाएगा, है ना। 5 गुना का 10 और 5 और 2 7, समझ गए। करना क्या है, बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में बांटना है, जिनका गुणा करने पर ये वाली संख्या है और जिनको जोड़ने घटाने पर ये वाली संख्या है, ठीक है ना। चलिए अब यहीं तक कर लिया ना, तो आपका सवाल हो गया सोल्व। देखिए अब आपको करना कुछ नहीं है, अब क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉमन निकालना है। यहाँ पर आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, एक्स निकाल लिया, यहाँ पर क्या बचा, एक्स में से एक्स में भाग देंगे तो एक बचेगा, प्लस का प्लस, जब हम इसका भाग इसमें देंगे तो क्या, एक्स तो बाहर निकल आ गया, 5 बच गया, प्लस का प्लस, यहाँ पर से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2, एक अंदर कितना बचेगा। शायद ये जो सवाल है, ये सवाल शायद गलत दे दिया है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स निकल गया, तो यहाँ पर अंदर बचेगा एक और एक्स बचेगा, ठीक है ओके। अब यहाँ पर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर देते हैं,
नहीं एक्स स्क्वायर नहीं, एक से रहने थे, यहाँ पर टू टू निकाल लिया हमें, अंदर क्या बचेगा, एक एक सौ बचेगा, प्लस का प्लस, दो पंजे दस, बराबर का जीरो मान लिया, यहाँ तक हो गया सोल्व। अब आपको देखिए एक्स प्लस पाँच है, एक्स प्लस पाँच लिख लिया, कोष्टक बंद, एक्स प्लस दो है, एक्स प्लस दो लिख लिया, बराबर में जीरो। अब आपको एक्स प्लस पाँच लिखना है व एक्स प्लस दो लिखना है, ठीक है, बराबर में जीरो लगा लो, इसके बराबर में जीरो लगा लो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स बराबर माइनस का पाँच, ठीक है, और यहाँ पर वह एक्स बराबर माइनस का दो, क्या बनेगा, माइनस का दो। तो यहाँ पर अब हम करते हैं उत्तर की सत्यता की जांच। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या होता है, शून्यकों का योगफल, यहाँ पर आप लिख दीजिए जांच, सबसे पहले लिख दीजिए जांच, उसके बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का बी बटा ए होता है शून्यकों का योगफल। शून्य क्या आपका, ये एक तो माइनस का पाँच है और एक माइनस का दो है, तो देखिए माइनस का पाँच प्लस माइनस का दो है, तो कोष्टक माइनस का दो लगा देंगे, बराबर में बी और माइनस है, तो देखिए बी बी और माइनस है कैसे निकालेंगे, इस समीकरण से निकालेंगे, बी को क्या निकल जाएगी, ये होता है हमारा समीकरण का व्यापक रूप, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान दे लीजिए, जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर नहीं है तो वहाँ पर जो है उस समीकरण का हल निकल नहीं सकता है, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन उतार लिया था पेपर में से, तो इसलिए जो यहाँ पर x का स्क्वायर नहीं था, तो मैंने फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर x का स्क्वायर होना चाहिए था, तो फिर से निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर a बराबर आ गया हमारा एक, b बराबर क्या है, b बराबर सात है, यानी कि हम माइनस का माइनस, b बराबर सात, a बराबर कितना हमारा एक है, एक रख देंगे, ठीक है, माइनस का पाँच का पाँच, ये दोनों का जब आपस में गुणा होगा प्लस और माइनस का, तो माइनस का दो आएगा, बराबर में यहाँ पर एक का कुछ नहीं होता, तो माइनस का सात, माइनस और माइनस जुड़ करके माइनस बनता है, और माइनस माइनस जुड़ते हैं हमेशा, तो पाँच और दो सात होएगा, इधर भी माइनस का सात, इधर भी माइनस का सात, यानी कि बराबर है हमारा उत्तर। अब एक और हम कर लेते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, सी बटा ए। तो देखिए शून्य क्या, अपने शून्य क्या निकले, माइनस का पाँच गुणे माइनस का दो, ठीक है, बराबर सी कितना निकला, देखिए सी, सी यानी अचर पद क्या है, दस है, दस रख देना हमें, दस बटे एक है, ए बराबर कितना है, एक है, एक रख दिया। अब देखिए जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, और प्लस को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, पाँच दुना का कितना जाएगा अपना, दस हो जाएगा, ठीक है, दस हो जाएगा, बराबर में इस एक को बटे में लिखने कोई जरूरत नहीं, बचाए तो दस ही लिख दे, तो ये हो जाएगा हमारा दोनों पल में बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है ना कि उत्तर सही है, दोनों आंसर आ जाएंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।